गाइस मैं आज प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 27x25। फ्रंट इसका 27 फिट दिया है, लंबाई इसकी 25 फिट रखती है। सिंगल स्टोरी का आपका प्लान है, कम से कम खर्चे में अपना प्लान तैयार करा सकते हैं। इसमें आपको 1 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिखेगा। अगर आप कार पार्किंग करना चाहते हैं इसमें आप कार पार्किंग भी कर सकते हैं। अभी आप डिटेल में जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है, पूरा छोटा सा आपका प्लान है 17x25 में ओनली। कंप्लीट हटिया कुछ इस तरीके से बनी है, ऊपर आप पानी टंकी रख सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पे आपको पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 फिट का गेट मिलेगा। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले हॉल मिल जाता है। काफ़ी बड़ा आपका हॉल दिया है। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 10x14। ये 10x14 का आपका हॉल दिया। हॉल में आराम से आप बैठक भी बना सकते हैं। बैठक के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो उपलब्ध कराई है, देख सकते हैं। यहाँ पे आराम से कूलर लगा सकते हैं, हॉल का फुल्ली वेंटिलेशन होता रहेगा। अगर आप कार पार्किंग करना चाहते तो यहाँ पे आप बड़ा गेट लगा सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे 10x14 का स्पेस दिया है, तो आप कार पार्किंग भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है। कम्प्लीट जीना कुछ इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। जीना आपका 3 फिट का बना हुआ है, देख सकते हैं आप। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। आपका पैर रखने वाला 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। जीने के नीचे यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड मिल जाती है। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको लैट्रिन बाथरूम के पर्पज़ से। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा हुआ है 4.5x6। ये 4.5x6 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड बनी हुई है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है, देख सकते आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है कुछ इस तरीके से। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x10। ये 10x10 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं आप 10x10। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है। वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। इस किचन का मैंने साइज रखा है 6x10। ये 6x10 की आपकी किचन दी गई है। आप अपने हिसाब से किचन डेकोरेट करा सकते हैं, देख सकते हैं 6x10 की आपकी किचन दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17x25 में कुछ इस तरीके से 1 BHK हाउस प्लान कंप्लीट बना है, देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा आपका हॉल दिया हुआ है। कंप्लीट आइडिया कुछ इस तरीके से बनी है। छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है। छज्जा आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, 2 फिट 2.5 फिट जितना भी निकालना हो। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए उतना ही। वीडियो देख लें, धन्यवाद।